साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जिसमें है स्पीड, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, कलर्स, डिस्टेंसिंग एंड लॉट्स ऑफ फन। अपनी ऐसी ही अनेकों खूबियों के कारण आयन बॉल गेम इन शॉर्ट ऑफ स्पेन ऑफ टाइम वर्ल्ड वाइड रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसकी हिस्ट्री जानने से पहले हम समझते हैं इसके रूल्स एंड ग्राउंड डायमेंशंस और स्कोरिंग के बारे में। आयन बॉल एक टीम गेम है जिसमें दोनों टीमों में आठ आठ खिलाड़ी ग्राउंड पर होते हैं और चार सब्स्टिट्यूट होते हैं जिनको मैच के दौरान एनी टाइम एक्सचेंज किया जा सकता है। चलिए पहले ग्राउंड डायमेंशन को समझ लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड होता है जिसकी लेंथ 40 मीटर होती है और विड्थ 20 मीटर होती है। अब ग्राउंड को एक सेंट्रल लाइन खींचकर दो बराबर भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। इस सेंट्रल लाइन के पैरेलल 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक और लाइन होती है जिसे पासिंग लाइन कहते हैं। अब इस पासिंग लाइन के पैरेलल 5 मीटर के डिस्टेंस पर चार सर्कल होते हैं जिस सर्कल की रेडियस 0.75 मीटर या फिर यूं कहें डायमीटर 1.5 मीटर होता है। एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच 3 मीटर का डिस्टेंस होता है। सर्कल्स के दोनों बाजू 2.5 मीटर की जगह खाली छोड़ देते हैं जिससे कि प्लेयर्स रनिंग के टाइम पे एक दूसरे से टकरा ना जाएं। सर्कल वाले प्लेयर को हम फ्रीज प्लेयर बोलते हैं। सर्कल वाला प्लेयर जिस रंग की ड्रेस पहनकर खड़ा होगा उसके 2 मीटर पीछे भी ठीक उसी रंग की ड्रेस पहनकर खिलाड़ी खड़ा होगा। यानी कि एक ही टीम के 8 खिलाड़ियों में दो येलो, दो ब्लू, दो रेड और दो ग्रीन ड्रेस पहनकर प्लेयर्स खड़े होंगे। सर्कल से 10 मीटर की दूरी पर एक गोल पोस्ट होगा जिसकी हाइट 7 फीट होगी और उस पर चार रंग के दो बास्केट लगे होंगे। एक बास्केट पे येलो और ब्लू कलर किया होगा और दूसरे बास्केट पे रेड और ग्रीन कलर किया होगा। गोल पोस्ट के एक बाजू येलो और ब्लू रंग की बॉल रखी होगी और दूसरी बाजू रेड और ग्रीन रंग की बॉल पड़ी होगी। गोल पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पर एक सर्कल बनाना है जिससे बच्चों को बास्केट करना है। अब ठीक इसी तरीके से विपक्षी टीम का पाला भी बना होगा और एक ही टाइम पे दोनों टीमें अपना अपना गेम खेलेंगी। मतलब प्लेयर्स को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो देनी ही है लेकिन अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हुए आठों खिलाड़ियों को मिलकर मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करने हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये पॉइंट्स मिलते कैसे हैं। चलिए समझते हैं इस पॉइंट्स के गणित को। इस गेम में पासिंग के पॉइंट्स हैं यानी कि हैंड से आप पास करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, फुट से 2 पॉइंट और हेड से पास करने पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बास्केट करने के आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे और स्पीड के भी 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक गणित और है। जैसे कैट के एग्जाम में गलती होने पर नेगेटिव मार्किंग होती है वैसे ही आयन बॉल के खेल में गलती होने पर या फाउल होने पर माइनस पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि जिस रंग का झंडा उठा है उससे दूसरे रंग का प्लेयर अगर सर्कल से बाहर निकलता है या फिर प्लेयर गलत रंग की बॉल उठा लाता है या गलत रंग की बास्केट में बॉल डाल देता है या फिर बास्केट के बाद बॉल पकड़ नहीं पाता है या सर्कल वाला प्लेयर सर्कल से बाहर आकर बॉल को पकड़ता है या फिर किसी भी प्लेयर से बॉल जमीन पर गिर जाती है तो ये सभी फाउल की श्रेणी में आते हैं। यानी कि इनमें से कोई भी गलती हुई तो आपकी टीम का 1 पॉइंट कम हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि इस पॉइंट्स को काउंट कौन करेगा। तो टीम ए के लिए एक स्कोरर पासिंग लाइन के एंड पर बैठा होगा और टीम बी के लिए दूसरा स्कोरर दूसरी पासिंग लाइन के एंड पर बैठा होगा जो अपनी अपनी टीम का स्कोर काउंट करेंगे। सेंट्रल लाइन के एंड पर एक रेफरी होगा जिसके हाथ में चार रंग के झंडे और एक विसिल होगी। वो जैसे ही इस विसिल को बजाएगा और वो किसी भी एक रंग के झंडे को उठाएगा तो दोनों टीमों के सर्कल में खड़े खिलाड़ी में से वो खिलाड़ी दौड़ना शुरू कर देगा जिसने उसी रंग की ड्रेस पहनी है जिस रंग का झंडा रेफरी ने उठाया है।
अब ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी विपक्षी टीम के पाले में पड़ी उसी रंग की बॉल को उठाकर वापस लाएंगे जिस रंग की इनकी ड्रेस है। बॉल को उठाकर वापस खिलाड़ी को अपने मैदान की तरफ आना है और जैसे ही वो सेंट्रल लाइन को क्रॉस करेगा अगली पासिंग लाइन से जस्ट पहले से उसको अपनी टीम के खिलाड़ी को पास करना, उस खिलाड़ी को पास करेगा जिसका सर्कल इसके अपने सर्कल से सबसे ज्यादा दूरी पर है, जिससे कि इसको थोड़ा टाइम मिले और अपने सर्कल में आसानी से वापस आ सके। ये टीम का पहला पास हुआ और यहाँ से टीम को पॉइंट मिलने शुरू हुए। अब जिस खिलाड़ी के पास बॉल पहुंची है वो अगले खिलाड़ी को बॉल पास करेगा और दूसरे पास के रूप में उनको पॉइंट मिलेंगे। फिर तीसरे पास में वो अपने से अगले खिलाड़ी को और चौथे पास में बॉल उसी के पास आ जाएगी जो शुरुआत में बॉल को लेके आया था। अब पांचवा पास ये खिलाड़ी अपने रंग की ही ड्रेस पहने पीछे खिलाड़ी को देगा और इस तरह अधिकतम पॉइंट करने के लिए ये पांचों के पास बॉल आनी जरूरी है। अगर किसी खिलाड़ी ने पास रिपीट किया तो उसको उस पास के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि अब पांच पास खत्म होने के बाद है। अब ये अपनी जब बॉल पीछे खड़े खिलाड़ी के पास पहुंचेगी तो उसको 3 मीटर के सर्कल से जाकर बास्केट में बॉल डालनी है, लेकिन उसी बास्केट में जिस कलर की बॉल है तो उसी कलर के बास्केट में बॉल डालनी है। बॉल बास्केट करने के बाद नीचे से पकड़नी भी है, ऐसा करने पर उसकी टीम को 3 पॉइंट मिलेंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको मैक्सिमम 3 टाइम्स ट्राई करने का चांस मिलेगा। उसके लास्ट अटेम्प्ट के जो रिजल्ट के हिसाब से ही पॉइंट दिए जाएंगे। इसके बाद उसको बॉल को पकड़कर वापस वहीं रखने जाना है जहां से पहले वाला प्लेयर बॉल को लेके आया था। ठीक उसी वक्त विपक्षी टीम भी ऐसा ही अपने मैदान पर कर रही होगी और उधर से भी प्लेयर बॉल को वापस रखने आएगा। यहां फैसला होगा कि कौन सी टीम स्पीड से खेल रही है, क्योंकि जो टीम पहले बॉल को उसके स्थान पर वापस रखने में कामयाब होगी उसे 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी क्लेम इट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेम। रेफरी का पूरा ध्यान होता है बास्केट पर। जैसे ही कोई भी टीम बास्केट करती है तो रेफरी अगले कलर का झंडा उठा देता है। जी हाँ, इस तरह एक हाफ में 16 बार झंडा उठाए जाते हैं और 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोनों टीमें अपना पाला बदल लेती हैं। फिर से रेफरी 16 बार झंडा उठाता है और इस तरह दोनों हाफ मिलकर जिस टीम के पॉइंट्स ज्यादा बैठते हैं जूरी उस टीम को जीता हुआ घोषित करती है। जितने टाइम में दोनों स्कोरर बैठ के पॉइंट्स को काउंट करके डिक्लेयर करते हैं टीम का स्कोर, उतने टाइम में दोनों टीमें आपस में हाथ मिलाती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं और उसी के बाद ही टीम का स्कोर अनाउंस किया जाता है। वैसे एक बार झंडा उठने पर एक टीम का मैक्सिमम 21 पॉइंट स्कोर हो सकता है, तो 32 बार झंडा उठने पर वो अधिकतम 672 यानी 672 का स्कोर कर सकती है। वी अंडरस्टैंड आपको मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि आयन बॉल मेंटल अलर्टनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट गेम है, बट बंधु उसके लिए आपको मैदान पर आना पड़ेगा। तो चलो जान लेते हैं आयन बॉल के प्लेयर्स के कुछ रिव्यूज, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स है और डिफरेंट भी लगा। बच्चे को हर टाइप की गेम खेलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही गेम पे फोकस करना चाहिए। फिजिकली और मेंटली दोनों इसमें है, फिजिकल और मेंटली दोनों है। तुम्हारो रिव्यू को क्यों लगे? ऑसम, एकदम एनर्जेटिक गेम है, बहुत मजा आई। છોકરાઓ સાથે તો એઝ યુઝ્યુઅલ રમતા જ હોઈએ, પણ ધીસ ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ। અત્યાર સુધી ફૂટબોલ તો રમ્યા હતા, બટ નાઉ ધીસ એકદમ એનર્જી આવી ગઈ, મજા આવી ને, બહુ જ મજા। કોન્સન્ટ્રેશન ભી ચાહીએ, યસ પક્કા। કોણ કહાં કેસે પહોંચ્યા સબ ધ્યાન રખના પડતા હૈ। હાઉઝ યુ ફીલ? આઈ એમ ફીલિંગ ઓસમ, એક્ચ્યુઅલી આઈ વોઝ ટાયર્ડ બટ નાઉ આઈ એમ ફીલિંગ એનર્જાઇઝ।